नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से दिखाते हैं। बंगाल के चुनावी मुकाबले का पहला राउंड शनिवार को है। इस राउंड के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। ऐसे में सही वक्त है कि बंगाल में होने वाले सियासी खेल के पहले राउंड के गणित को डीकोड किया जाए। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग में 30 सीटें दांव पर हैं। इस आदिवासी बहुल इलाके में पिछले दो विधानसभा चुनाव में टीएमसी का दबदबा रहा, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए एक सरप्राइज लेकर आया। बीजेपी ने इस इलाके में टीएमसी के वोट बैंक के साथ खेला कर दिया। पहले फेज में किस तरह का खेला होने वाला, इसका जमीनी विश्लेषण आज हम करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव का नतीजा मायने क्यों रखता। अगर बीजेपी जीती तो उसे कौन सा बूस्टर मिलेगा, और अगर ममता सफल हुई तो जीत का विटामिन उनकी संभावनाओं को कितनी ऊंचाई देगा, ये सब हम आपको आज बताएंगे। इसके बाद आपको बांग्लादेश ले चलेंगे और बताएंगे कि बंगाल चुनाव में बांग्लादेश फैक्टर भी किस तरह अपना असर दिखाने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं। कोरोना फैलने के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा होगी। पिछली विदेश यात्रा उन्होंने 497 दिन पहले की थी। वहां बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह है, और इसके साथ ही भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का यह 50वां वर्ष है। तो पीएम मोदी की इस यात्रा को गोल्डन जुबली कूटनीति के साथ साथ बंगाल चुनाव में मतुआ वोटों को साधने की वोट यात्रा के तौर पर भी देखा जाए। इस खबर का विश्लेषण एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट की मदद से करेंगे। और आज पूरी दुनिया पर असर डालने वाली एक बड़ी खबर इजिप्ट की स्वेज नहर से आई है। सड़क पर ट्रैफिक जाम लग जाना आम बात होती है, लेकिन इन दिनों स्वेज नहर में 400 मीटर लंबे एक कंटेनर शिप के फंसने की वजह से जाम लगा है। और इस जाम से पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया के व्यापार का 12% और तेल के व्यापार का 10% इसी रास्ते से होता है। जाम लगने की खबर फैलने के बाद से कच्चे तेल के दाम 5% तक बढ़ चुके हैं। इस नहर के इतिहास में कई युद्ध और डूबे हुए जहाज हैं। स्वेज नहर के ट्रैफिक जाम का यह विश्लेषण आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो बंगाल के चुनावी खेल का पहला राउंड शनिवार को है। आज हम पहले राउंड की चुनावी लड़ाई को डिकोड करेंगे। 5 जिलों की 30 सीटों पर शनिवार को वोट पड़ेंगे, और ये 5 जिले हैं बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर। ये आदिवासी बहुल इलाका है जहां पिछले दो विधानसभा चुनाव में टीएमसी का पूरा दबदबा रहा। पहले राउंड में जिन 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उन 30 सीटों में से 27 सीटें टीएमसी ने 2016 के चुनाव में जीत ली थी। तब टीएमसी को 50% वोट मिले थे, बीजेपी को लगभग 8.5% वोट मिले थे, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। हालांकि इस आंकड़े से किसी नतीजे पर पहुंचने पर आप धोखा खा सकते हैं। बंगाल को अब पिछले विधानसभा चुनाव के चश्मे से नहीं देखा जाता। 2019 के लोकसभा चुनाव ने बंगाल के समीकरण बदल दिए। जिस इलाके से बंगाल में चुनाव का पहला राउंड शुरू हो रहा है, उस इलाके की 6 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जीत ली थी। एक और आंकड़ा आपको बताते हैं, जिससे आप इस इलाके के सियासी इक्वेशन को और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इस इलाके के 4 जिले बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर और झारग्राम की 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 30 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़त पर थी, यानी उसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। इन्हीं 40 सीटों में से 33 सीटें टीएमसी ने 2016 के चुनाव में जीती थी। यानी जो इलाका कभी ममता बनर्जी का किला था, वो अब सीधे सीधे तौर पर बीजेपी के राजनीतिक प्रभाव में है और एक तरह से बीजेपी का किला बन गया। ममता बनर्जी ने इसीलिए इस इलाके में बहुत जोर लगाया है कि वो बीजेपी के पाले में गए वोटों को वापस अपनी तरफ खींच सके। 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौन लेकर आए। ভাঙা পায়ে যা খেলবো না, বিজেপি তোমাকে বল আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দেবো। আরে দিদি, মালুম নেই হে আপকো, বঙ্গাল কা ছোটা বচ্চা ভি হর রোজ ফুটবল খেলতা হে, তেরে খেলা হবে সে কোই নেই ডরতা। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হারতে জানে না, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বিজেপি কে পুনর মুশিকোভব করবে। ये दमदार और दिलचस्प लड़ाई है उस जंगल महल की, जहां से बंगाल में वोटिंग का आगाज होगा और जहां 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी को ऐसा झटका मिला था कि देखते ही देखते बीजेपी उनकी कुर्सी का खतरा बन गई। जंगल महल का ये इलाका कभी लेफ्ट का किला था। ममता बनर्जी ने इसे लेफ्ट से छीना, 2011 और 2016 का चुनाव जीता।
लेकिन 2019 में बीजेपी ने इसे दीदी से छीन लिया। इस चुनाव में दीदी और बीजेपी की वही सीधी लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में टॉयलेट बनाने का काम, 11 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाया और 60 करोड़ गरीबों के घर में स्वास्थ्य का बीमा पहुंचाया। हमारी दीदी जो है स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके घर में नहीं पहुंचने देंगे। वोटर आगे 100 टका कमावे लोग देखान जन्य, তারপর আবার 1000 টাকা বাড়াবে। একটা গ্যাস যদি বিনা পয়সায় চাল দেবো আর চালটা ফোটাতে 900 টাকা লাগবে, বুঝুন তাহলে কি হবে? আর বিজেপি ভোট পাবে বলুন? গ্যাসের বদলে ক্যাশ চাই, গ্যাস হবে না, গ্যাস বিনা পয়সায় দিতে হবে। মমতা ব্যানার্জি পুরা জোর লাগা চুকি হ্যাঁ কি জঙ্গল মহল কা জো এলাকা সিয়াসি তোর পর বিজেপি কে প্রভাব মে আ চুকা হ্যায় ও ফির সে উনকে পাস লোট কর আ যায় অর বিজেপি পুরানি স্থিতি মে পৌঁছ যায়। पिछले 2 हफ्ते से ममता बनर्जी ने यहां बैक टू बैक रैलियां की हैं। पुरुलिया से ही व्हीलचेयर वाला प्रचार शुरू किया था और बीजेपी को घूम घूम कर खूब कोसा है। बीजेपी ने भी दबदबे को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं की बैक टू बैक रैलियां हुई है। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर लेकर आई। अब आपको तय करना है स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। একটা লোক যদি কারো কাছে 500 টাকা নিয়েছে তো বলছে তৃণমূল কংগ্রেস সব চোর। আমি চোর? আমি ডাকাত? আমি খুনি? আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি আর তুমি শালা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। ऐसा आक्रामक जवाब, एक गुहार और एक कसम बीजेपी के सामने ममता बनर्जी के इमोशनल प्रचार की रणनीति रही है। गुहार ये कि लोकसभा चुनाव के जैसे इस बार तृणमूल से लोग दूर हों और जो भी गलतफहमी हुई इसके लिए वो खुद माफी मांगती है। दूसरी तरफ अपनी चोट दिखाकर वो ये कसम खा रही हैं कि कुछ लोगों ने सोचा था कि वो घर बैठ जाएंगी लेकिन खेला होगा और वो हर हाल में लड़ेंगी। वन कैन फूल ऑल द पीपल वंस एट टाइम but one cannot fool all the people all the time, eta mathay rakhben ebong shei jonno agami din ma bonera ami jabar age bolbo khela hobe khela hobe khela hobe dekha hobe dekha hobe dekha hobe jeta hobe jeta hobe। ye didi jahan jahan ghumti hai wahan darati hai log, nirdosh adivasiyon ko darati hai। खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। अरे दीदी क्या डराती कहो में? खेला हो बे से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी मालूम नहीं है आपको, बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है, तेरे खेला हो बे से कोई नहीं डरता। जंगल महल के इस इलाके में चुनावी खेल आदिवासियों का वोट है, इसे भी समझना जरूरी है। ये इलाका आदिवासी और ओबीसी बहुल है, झारखंड से जुड़ा है। तो झारखंड के बीजेपी के 3 पूर्व CM बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास भी बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों में थे। तो उधर ममता बनर्जी को इस इलाके में इस बात से राहत मिली थी कि चुनाव लड़ने के ऐलान से JMM पीछे हट गई और आखिरी वक्त में TMC का समर्थन कर दिया। सालतोरा से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि ममता बनर्जी को जंगल महल के इस इलाके में अपनी सियासी जमीन वापस लेनी है, जो ममता बनर्जी 2016 के बाद बीजेपी के हाथ गंवा चुकी है। ममता बनर्जी ने पूरा जोर जरूर लगाया लेकिन बीजेपी ने भी अपने इस नए किले में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था जिसे इस इलाके में प्रचार के लिए नहीं लगाया गया। PM की भी कई रैलियां हुई, गृह मंत्री आखिरी दिन तक प्रचार करते रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी इलाके में आज प्रचार के लिए उतारे गए। 10 वर्षों में ममता दीदी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बहनों भाइयों, न तो यहां पर मां सुरक्षित है, न मानव सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है। अजीबोगरीब हालात यहां पर पैदा हो गए।
सर्वत्र के हिंसा का माहौल देखने को मिलता है। जो बंगाल की धरती एक सांस्कृतिक धरती मानी जाती थी, आध्यात्मिक धरती मानी जाती थी और सांस्कृतिक संदेश पूरे भारत को इस धरती से जाया करता था, आज उस धरती की हालत तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कैसी बना दी है मुझे बेहतर आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बंगाल के अंदर नौकरी भी नहीं और रोजगार भी नहीं। यहां पर हाईवे नहीं, रेलवे लाइन भी नहीं पिछने देती है। एम्स, आईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि दीदी का तो इसमें कोई विश्वास ही नहीं है। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को ये बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। पहले चरण में बंगाल की जनता जिन उम्मीदवारों को चुनेगी उनका बैकग्राउंड भी देखना जरूरी है। चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में हर चौथे उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 30 सीटों में 10 ऐसी हैं जहां के 5-5 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले, 191 उम्मीदवारों में 48 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे, 42 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके खिलाफ ऐसे गंभीर मामले दर्ज हैं जिनमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, 19 उम्मीदवार ऐसे जो करोड़पति हैं और 4 ऐसे भी हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है। आमतौर पर कहा यही जाता है कि पैसे वाले ही चुनाव लड़ते हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सच भी है कि करोड़पति उम्मीदवारों के बीच इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई गरीब चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बंगाल में मनरेगा मजदूर या फिर घरों में काम करने वाली महिला भी चुनाव लड़ रही है। ऐसी एक महिला को बीजेपी ने बांकुरा से कैंडिडेट बनाया जो सालतोरा सीट से चुनाव लड़ रही है। इनका नाम चंदना बाउरी है, जिनके पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खुद चंदना भी मजदूरी करते हैं। आज चंदना के समर्थन में रोड शो करने मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे जो 2 हफ्ते पहले ही बीजेपी में शामिल है। मिथुन चक्रवर्ती पहली बार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में उतरे और पहले ही रोड शो में उन्हें देखने के लिए बांकुरा में काफी भीड़ जुटी। हमारे साथ है मिथुन चक्रवर्ती, बांकुरा के सालतोरा में कैंपेनिंग कर रहे हैं। दादा मिथुन दा, आपने बहुत सारे स्टेज शोज किए हैं जहाँ पे बहुत भीड़ होता है, वो डिफरेंस और ये डिफरेंस कैसा है? That they come for enjoyment, now they have come for a decision. This crowd, such massive crowd, I want them that if you love me, please sir, आप ये बोल रहा हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। इतना कॉन्फिडेंट हो बीजेपी के लिए? बहुत बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत। I said, yes, I am confident. I am confident, but. बहुत खुश हो, मानुष भी खुश है, यहाँ पर जनगण भी खुश है, मेरा भी बहुत खुश लग रहा है। इतना बड़ा सुपरस्टार मेरे इलाके में आया है, यहाँ पर बड़ा खुश नहीं मिलता। दादा बीजेपी के चांसेस को लेकर, बीजेपी के चांसेस को लेकर, डेफिनेट डेफिनेट चांस। सो आप कंटेस्ट कर रहे हो भैया? हो गया, हो गया। आप कंटेस्ट करोगे? विल यू कंटेस्ट? विल यू कंटेस्ट? नो आई वोंट। यहां आपको खबर की पूरी पिक्चर भी देखनी चाहिए। आपको ये बताते हैं कि 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव का नतीजा मायने क्यों रखता है। अगर बीजेपी अपने मिशन में सफल होती है तो ये 2017 में उत्तर प्रदेश की जीत के बाद बीजेपी के लिए राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ी कामयाबी होगी। असर इसका ये होगा कि विपक्ष के उत्साह पर ठंडा पानी पड़ जाएगा और इसका संदेश ये होगा कि बीजेपी हिंदी पट्टी के बाहर भी मजबूत पार्टी है और मुश्किल सियासी पिच पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अगर ममता बनर्जी सफल हुई तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। केंद्रीय शक्ति के संदर्भ में देखें तो जीतने पर टीएमसी थर्ड फ्रंट में नई जान फूंक सकती है, लेकिन अगर ममता बनर्जी हार गई तो उनकी पार्टी टीएमसी टूट सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी की जीत भारत को एक पार्टी के प्रभुत्व वाला देश बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सकती है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कूटनीतिक दांव जिसमें घरेलू राजनीति के समीकरण छिपे। बंगाल में पहले चरण के मतदान के समय प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा 26 और 27 मार्च को है,
जिसमें वो मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली जाएंगे। यानी 27 मार्च को जब बंगाल में पहले चरण के वोट पड़ रहे होंगे, प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय से सीधा जुड़ाव बना चुके होंगे। बंगाल में मतुआ समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है और 70 विधानसभा सीटों पर असर रखता है। पश्चिम बंगाल में जब पहले चरण का मतदान हो रहा होगा, तब कोरोना काल के बाद पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर होंगे, वो भी बंगाल से सटे बांग्लादेश में। कोरोना काल के कारण 497 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश आजादी के अपने 50 साल मना रहा है और आपको बता दें कि इस सेलिब्रेशन के मौके पर नरेंद्र मोदी यहां के बेहद खास मेहमान होने वाले हैं। यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई है। 26-27 मार्च को प्रधानमंत्री का ये बांग्लादेश का दौरा है। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा तीन बड़ी वजहों से फोकस में है। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह। दूसरा, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष। और तीसरा, भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों का ये 50वां साल है। पीएम मोदी के इस दौरे की बांग्लादेश में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा बंगाल चुनाव में हो रही है, जिसके पीछे एक खास वजह भी है। बांग्लादेश दौरे पर पीएम मोदी मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के मंदिर जाएंगे। इसके अलावा वो सुगंधा शक्तिपीठ भी जाएंगे, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। इसके अलावा पीएम मोदी कुसतिया में रविंद्र कुटी बारी भी जा सकते हैं। दरअसल ये तमाम जगह और नाम ऐसे हैं जिनका बंगाल से गहरा नाता रहा है। यानी पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा कूटनीतिक महत्व से ज्यादा राजनीतिक महत्व का लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन इसी ओराकांडी स्थित, ये गोपालगंज इलाके का हिस्सा है, यहाँ पर हरि मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। सिक्योरिटी कारणों की वजह से हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन बिल्कुल सामने आपको बता दें हरिचंद ठाकुर की प्रतिमा है, वहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे और यहाँ पर आकर पूरे के पूरे मतुआ समुदाय को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी। 3 करोड़ की बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में रहती है और तकरीबन इतनी ही आबादी इस बांग्लादेश की धरती पर रहती है। यकीनन मतुआ समुदाय को लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 2021 में ये समुदाय क्या बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा या फिर टीएमसी के पक्ष में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समुदाय को लुभाने में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। पीएम मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश में होंगे, वहाँ वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भी वो मंच शेयर करेंगे, लेकिन उनके इस दौरे की हाईलाइट होगा ओराकांडी मंदिर। ये मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचंद ठाकुर का मंदिर है, जिन्हें बंगाल में मतुआ समुदाय के लोग भगवान का अवतार मानते हैं। दरअसल मतुआ लोग मूल रूप से बांग्लादेश के ही रहने वाले माने जाते हैं, जो विभाजन के बाद धार्मिक शोषण से तंग आकर 1950 के शुरुआत में बंगाल आ गए थे। बंगाल में उनकी आबादी करीब 2 करोड़ बताई जाती है। बंगाल की जनसंख्या में इनकी भागीदारी 17% के आसपास है। 7 लोकसभा सीटों पर मतुआ वोट निर्णायक माने जाते हैं। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 70 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय का दखल है। जाहिर है बंगाल के चुनाव के वक्त पीएम मोदी का बांग्लादेश जाना और वहां ओराकांडी मंदिर में दर्शन करना राजनीतिक मायने तो इसके निकाले ही जाएंगे, और वो वहां मतुआ समुदाय से संवाद भी करने वाले हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज के ठाकुरबाड़ी में इस वक्त हैं मतुआ समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, इनसे बातचीत करते हैं। खुश है मोदी जी के आने से? हाँ, हमरा खूब खुशी, भारत के प्रधानमंत्री आज से इखाने हमरा इतने खूब आनंदित हूँ। आनंद है आपको भी? आनंद है तो आनंद है, और क्या चाहती है? देखिए महिलाएं हैं, काफी ज्यादा खुश हैं, मुस्कुराकर भी बहुत सारी बातों को कहती हुई प्रधानमंत्री यहां पर आने वाले हैं दर्शन करने के लिए हरिचंद ठाकुर जी के। कैसा लग रहा है इस पूरे इलाके में भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार आएगा जो यहां पर पूजा अर्चना करेगा? আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই যে প্রথম মানে বাইরের কোন রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের বাংলাদেশে আসতেছে এবং তিনি আমাদের হরিচাঁদ মন্দিরে পূজা করবেন, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। আনন্দে খুশি আপ লোগোঁকো ভি? অবশ্যই খুশি, যেহেতু সম্মানের দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম আমাদের দেশে আসতেছে এবং আমাদের হরিচাঁদ মন্দিরে পুজো দেবেন, আমরা খুবই আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত। वैसे अगर राजनीतिक एंगल को छोड़ दें तो पीएम मोदी का ये बांग्लादेश दौरा और कई मायनों में खास है। पहली बार ऐसा होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर जाएंगे। शेख मुजीबुर रहमान साहब की जन्म शताब्दी का ये वर्ष है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तुंगीपाड़ा में भी एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें
प्रथम राष्ट्रपति बांग्लादेश के जिनका ये घर है, यहाँ पर उनकी तमाम यादों को संजो कर रखा गया है और यहाँ पर भी पीएम मोदी आएंगे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनकी यादों को देखने के लिए। ये दूसरा हिस्सा आपको बता दें, अंदर मजार है, जबकि बाहर जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर उनको अपनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा के भी किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। बांग्लादेश आर्मी के तमाम जवान यहाँ पर लगातार नजर रखे हुए हैं, चप्पे चप्पे की सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। अपने दौरे पर पीएम मोदी बांग्लादेश में करीब 36 घंटे रहेंगे और दो दिनों में कुल मिलाकर 5 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बांग्लादेश में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जितनी जल्दी पीएम मोदी को शायद बांग्लादेश जाने की होगी, उतनी ही बेसब्री बांग्लादेश को उनके आने की है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान साहब की जन्मस्थली पर हम आ चुके हैं, यहीं पर उनकी मजार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को यहां पर आएंगे और उनके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से होर्डिंग्स यहां पर लगाई गई हैं। यकीनन प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दो दिनों का ये काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा। इसके पहले मोदी 9 मार्च को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैत्री सेतु पुल का उनकी ओर से उद्घाटन किया गया था और उसके बाद ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका बांग्लादेश में किया जा रहा है बेसब्री से इंतजार। ढाका से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के कूटनीतिक संदेश बहुत गहरे हैं। दौरा 3 वजहों से फोकस में। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह। दूसरा, यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है। और तीसरा, भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का भी यह 50वां वर्ष है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत बांग्लादेश रिश्ते और मजबूत हुए। कोरोना काल में भारत की वैक्सीन मैत्री के तहत सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज बांग्लादेश को मिली। बांग्लादेश को मिले 90 लाख वैक्सीन डोज में 20 लाख डोज ग्रांट के तौर पर। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे में वहां की राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बीच यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। दिसंबर 2020 में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलाहाटी के बीच 55 साल बाद रेल लिंक को हरी झंडी दिखाई थी। यह रेल लिंक 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टूटा था, जो 2020 के अंत में जुड़ गया। दिसंबर 2020 में शेख हसीना के साथ वर्चुअल समिट में ही पीएम मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे की घोषणा भी कर दी थी। वैसे पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा एक और मायने में अहम है, और वो ये है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी 497 दिन के बाद विदेश यात्रा पर जाएंगे। इसके पहले नवंबर 2019 में पीएम ब्राजील के दौरे पर गए थे। 15 जून 2014 से नवंबर 2019 के बीच पीएम मोदी ने कुल 1979 दिन में 96 देशों के दौरे किए। पीएम मोदी ने 2014 में 8 देश, 2015 में 23 देश, 2016 में 17 देश, 2017 में 17 देश, 2018 में 20 देश और 2019 में 14 देशों का दौरा किया। 2020 ऐसा साल रहा जब पीएम मोदी किसी विदेश दौरे पर नहीं गए। इस दौरान उन्होंने कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ और कुछ अहम बहुपक्षीय सम्मेलनों में वर्चुअल हिस्सा जरूर लिया। सड़क पर ट्रैफिक जाम बेहद आम बात होती है, लेकिन इन दिनों इजिप्ट में ऐसा ट्रैफिक जाम लगा जिससे पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई है। यह जाम किसी सड़क पर नहीं बल्कि एक नहर में लगा है। इस नहर का नाम है स्वेज नहर, जहां मंगलवार की सुबह एक कंटेनर शिप फंस गया और इतनी बुरी तरह फंस गया कि नहर की दोनों तरफ 100 से ज्यादा जहाजों का जाम लग चुका है। यह कंटेनर शिप 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है, जो चीन से सामान लेकर नीदरलैंड जा रहा था। इस शिप को ताइवान की ट्रांसपोर्ट कंपनी एवरग्रीन मरीन संचालित करती है, जिसके मुताबिक स्वेज नहर को पार करते समय हवा के एक तेज बवंडर की वजह से शिप घूम गया। बाद में उसे सीधा करने का प्रयास किया गया, लेकिन नहर की चौड़ाई कम होने की वजह से शिप ने पूरी नहर का रास्ता जाम कर दिया। इसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस कंटेनरशिप को यहां से निकालने में कई दिन का वक्त लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ जो कोई शिप नहर में फंस गया, इसमें घबराने की बात क्या है। लेकिन आप जितना सोच रहे हैं यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी खबर है, जिसे समझने के लिए आपको स्वेज नहर के बारे में जानना होगा। इजिप्ट की स्वेज नहर एक मानव निर्मित वॉटरवे है। स्वेज नहर वर्ष 1869 से प्रयोग में आना शुरू हुई थी। साल 1956 तक इस पर ब्रिटेन का अधिकार था, जिसे बाद में इसे इजिप्ट को दे दिया। 1956 में ही इजिप्त ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस नहर की लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी यूरोप को एशिया से।
इजिप्ट की सरकार ने वर्ष 2020 में इस नहर पर टोल टैक्स के जरिए 36,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। पिछले साल इस नहर से करीब 19,000 जहाज गुजरे थे। दुनिया का 12% व्यापार और तेल का 10% व्यापार अकेले इसी एक नहर के जरिए होता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वेज नहर में जाम लगने का मतलब क्या होता है, और अगर आप अब भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे तो हमारी यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। 280 मीटर चौड़ी स्वेज नहर के दोनों किनारों को ब्लॉक करके खड़े इस शिप ने नहर के दोनों तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लगा दिया है। 100 से ज्यादा कंटेनर शिप नहर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। शिप को निकालने के लिए टग बोट्स को तैनात किया गया है जो शिप को धक्का देकर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें अभी कई दिनों का वक्त लग सकता है। हर गुजरते पल के साथ इस जाम में लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा रूट है। हर दिन इस नहर से करीब 51 जहाज गुजरते हैं। दुनिया का 12% ट्रेड इस रास्ते से होता है। 30% कंटेनर शिप इसी रास्ते से यूरोप और एशिया के बीच सफर करते हैं। अगर इस नहर को जल्द नहीं खोला गया तो कंटेनर शिप्स को अटलांटिक महासागर में जाने के लिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ेगा, और वो रूट 9,000 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे यात्रा में कम से कम 10 दिन ज्यादा लगेंगे। Every day the canal is closed. Number one, it means that Egypt isn't getting toll money for this. It's about $700,000 for every vessel to go through. But more importantly, container ships, tankers are not delivering food, fuel, manufactured goods to Europe, and goods are not being exported from Europe to the Far East. आसान भाषा में कहें तो जैसे नसों के जाम होने से हार्ट अटैक आ सकता है, उसी तरह स्वेज नहर के जाम होने से वैश्विक व्यापार को हार्ट अटैक आ सकता है। ये नहर इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे कब्जाने के लिए युद्ध तक सारा कार्गो जो था वो वहीं से स्वेज कनाल से ही यूरोप जाता है इंडिया का, वही एक रूट है मोस्ट इकोनॉमिकल। सिमिलरली हम लोग भी, इंडिया भी इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल टर्की से, रशिया से, लीबिया से, और वो सारा तेल हमारा स्वेज कनाल से ही आता है। तो जो जहाज उनको लोड करके आ रहे हैं वो वहाँ फंस जाएंगे, उसकी वजह से एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है टैंकर मार्केट में, जिसकी वजह से फ्रेट्स बढ़ जाते हैं, और फ्रेट बढ़ने से हमारी जो लैंडिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट की एंड यूजर तक पहुँचते पहुँचते वो और बढ़ जाएगी। इस नहर पर पहले भी कई बार जाम लग चुके हैं, जैसा इस वक्त लगा हुआ है। 2004 में भी यहाँ एक बहुत खतरनाक जाम लगा था। उस वक्त रूस के एक तेल टैंकर की वजह से ये नहर 3 दिनों तक बंद रही थी। बार बार जहाजों के अटकने की घटना के बाद 2015 में स्वेज नहर की चौड़ाई भी बढ़ाई गई थी, जिसका एक मकसद 2023 तक इस नहर से गुजरने वाले ट्रैफिक को दोगुना करना भी है। आज तक ब्यूरो। स्वेज नहर वैश्विक व्यापार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसका पता आपको पता चल ही गया होगा। इसमें लगे ट्रैफिक जाम का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नहर क्रूड ऑयल का सप्लाई रूट भी है, जिसके जाम होने से क्रूड ऑयल के दाम 5% बढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चा तेल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में देरी हो रही है, और जहाजों के परिवहन भाड़े में भी इजाफा हुआ। मंगलवार को नहर में जाम लगने की खबर फैलते ही दाम बढ़ गए। भारत भी स्वेज नहर के रास्ते होने वाले तेल आयात के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। भारत में इस रास्ते से प्रतिदिन करीब 5,00,000 बैरल तेल का आयात होता है। उसके बाद चीन इस रास्ते से करीब 4,00,000 बैरल तेल का आयात करता है। इसके अलावा रूस, सऊदी अरब, इराक, लीबिया और अल्जीरिया ऐसे बड़े तेल निर्यातक देश हैं जो इसी रास्ते से यूरोप के देशों को तेल सप्लाई करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना से क्रूड ऑयल की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। जानकारों का आकलन है कि स्वेज नहर में इस ट्रैफिक जाम को खत्म होने में 28 से 29 मार्च तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि इन 2 दिनों के बीच उस इलाके में हाई टाइड रहेगा, जिसके बाद ही स्वेज नहर में फंसे जहाज को निकाले जाने की संभावना बन पाएगी। स्वेज नहर में जिस जहाज ने ट्रैफिक रोका हुआ है उसका एक भारतीय कनेक्शन भी है। स्वेज नहर में ट्रैफिक जाम की वजह बने MV एवर गिवन जहाज के सारे क्रू मेंबर भारतीय। ये सभी 25 क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जहाज का मालिकाना हक जिस कंपनी का है उसने इस बात की पुष्टि की है। जहाज का मालिकाना हक जापान की कंपनी के पास है, जबकि ऑपरेट करने वाली कंपनी ताइवान की है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।